السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं हूँ हाफिज वजीह हसन. आज मेरा टॉपिक है डोमिनो इफेक्ट. इन एन इकोसिस्टम डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज एग्जिस्ट. दीज डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कायम और दायम रखने के लिए फ्लोरा और फाना इज वेरी इम्पोर्टेंट. अगर फ्लोरा और फाना में से कोई भी स्पीशी जो है, प्लांट और एनिमल स्पीशी को रिमूव कर दिया जाए या इंट्रोड्यूस कर दिया जाए एक न्यू एनिमल और प्लांट स्पीशी को किसी भी इकोसिस्टम में, या रिमूव कर दिया जाए या इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो पूरे का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है और वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं. तो डोमिनो इफेक्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी इकोसिस्टम से अगर हम कोई भी स्पीशी रिमूव कर दें, या न्यू स्पीशी को बोलते हैं एक्सोटिक स्पीशी इंट्रोड्यूस कर दें, तो इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. ये तब होता है जब स्पीशीज जो है किसी भी इकोसिस्टम में मोर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी कि दो स्पीशीज हैं, ये एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं. अगर एक स्पीशी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसे हम रिमूव कर देंगे इकोसिस्टम से, तो दूसरी स्पीशी का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. डोमिनो इफेक्ट मीन्स, by removal or addition of new species in an ecosystem results into destruction of an ecosystem. ये डोमिनो इफेक्ट की एक बेसिक सी डेफिनेशन है. ये तब होगा जब स्पीशीज जो है किसी भी इकोसिस्टम की, जो स्पीशीज हैं, दीज आर मोर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दिस हैपन्स, व्हेन स्पीशीज ऑफ an ecosystem more dependent on each other जब स्पीशीज एक दूसरे पे ज्यादा डिपेंड करेगी तो ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, स्पीशी ए और ये है स्पीशी बी. फर्स्ट कर लेंगे, जो स्पीशी ए है ये स्पीशी बी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है. जब हम इस स्पीशी बी को रिमूव कर देंगे किसी भी इकोसिस्टम से, तो स्पीशी ए का सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और स्पीशी ई ए भी जो है ये भी इकोसिस्टम से रिमूव हो जाएगी. इसकी हम सिंपल से एग्जांपल देते हैं स्टारफिश की. स्टारफिश ईट्स मसल्स, जो घोंगे होते हैं,
and muscles eat invertebrates. ये एक फूड चेन मैंने आपके सामने लिखी है. स्टारफिश ईट्स मसल्स एंड मसल्स ईट इनवर्टिब्रेट्स. स्टारफिश जो है कि मसल्स यानी कि जो घोंघे होते हैं उन्हें खाती है, और जो मसल्स हैं ये स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स प्लांकटन्स जो होते हैं जिनमें बैकबोन, वैसे इनवर्टिब्रेट्स उन्हें बोलते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती. तो प्लांकटन्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं और स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स जो हैं मसल्स उन्हें कंज्यूम करते हैं, घूंघे जिन्हें हम बोलते हैं. तो जब हम किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल ओशन, ओशंस ओशन के एक पर्टिकुलर रीजन से जब हम स्टारफिश को रिमूव कर देंगे, तो जब हम स्टारफिश को रिमूव करेंगे ये बेसिकली एक इकोसिस्टम है ना ओशन, उसके एक पर्टिकुलर रीजन से हम स्टारफिश को रिमूव कर रहे हैं. जैसे ही रिमूव करेंगे जो मसल्स हैं उनकी क्वांटिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्टारफिश तो अवेलेबल नहीं है मसल्स को खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए. जब ऐसा होगा तो जो प्रेशर है इनवर्टिब्रेट्स पे वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो मसल्स हैं इनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी और ये मसल्स जो हैं इनवर्टिब्रेट्स को खाना शुरू कर देंगे. यानी कि जो स्टारफिश है ये वो की स्टोन स्पीशी है जो कि मसल्स को ईट करती है, और इस तरह से ये इनवर्टिब्रेट्स की जो सर्वाइवल है उसको मेंटेन करती है. जब हम स्टारफिश को ही रिमूव कर देंगे तो मसल्स की क्वांटिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और ज़्यादा मसल्स जो हैं उनके जो इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स को कंज्यूम करेंगे, और इस तरह से इनवर्टिब्रेट्स का जो क्वांटिटी है उनकी, उनका जो उनकी जो तादाद है इतने ही इकोसिस्टम में वो कम होना शुरू हो जाएगी. यानी कि सर्वाइवल जो है इनवर्टिब्रेट्स की वो खतरे में पड़ जाएगी. तो दिस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट इकोसिस्टम. इस तरह से हम किसी और इकोसिस्टम की भी एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो उस इकोसिस्टम में जो फ्लोरा और फाना, फ्लोरा एंड फाना, फ्लोरा मीन प्लांट्स एंड फाना मीन एनिमल्स, इनमें से किसी भी स्पीशी को रिमूव कर दें या इंट्रोड्यूस कर दें, ऐड कर दें, तो पूरे का पूरा इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय भी हो सकता है.